दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक समरी आपको फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना भी सिखा जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। नंबर वन, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट मोड कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या YouTube पर अपने आप ही वीडियोस वगैरह देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस को नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना होगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैटेगरी ए, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना वगैरह वगैरह। कैटेगरी बी, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते तो है लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल्स को अरेंज करना, एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना। कैटेगरी सी, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करता है लेकिन जरूरी नहीं होता, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह। कैटेगरी डी, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नॉवेल राइटिंग वगैरह वगैरह। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हो जब आपकी एनर्जी कम होती है। नंबर दो, एनहेंस योर अटेंशन। हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, ये अज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर तीन पर है, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। ए, आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर कर दें। बी, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दे और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाए। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़े, जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाए। सी, छोटी छोटी चीज के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होती। ऐसी मीटिंग्स ना खुद रखे और ना ही उनमें जाए। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हो। नंबर चार, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत कीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है, ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए। जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं।
और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं, वो अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी उनकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। नंबर 5 पर है स्कैटर फोकस। दोस्तों ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, और वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। नंबर 6 पर है रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एकेटाइल कोलाइन खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहे, किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाए, मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखे, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू वगैरह खाए जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, म्यूजिक सुने, हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। नंबर 7 पर है डी स्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार माने, उसे थैंक यू बोले, उससे कहे कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही है, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन है और आपको खुद पर गर्व होगा। दोस्तों आपके क्या विचार है इस वीडियो और इस बुक समरी के बारे में, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दिए, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।